अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन बेग है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अली रजा आबदी साहब। अली रजा आबदी साहब एमकेएमके से 243 के कैंडिडेट हैं। अच्छा अली साहब, सबसे पहले आपसे पूछूंगा, पीएसपी वजूद में आती है, उसके बाद 22 अगस्त का एक वाकया होता है, फिर एमकेएम के अंदर थोड़े से मसाइल हम देखते हैं कुछ अर्से पहले, उससे एमकेएम को आपको नहीं लगता कि नुकसान पहुंचा है और उसका वोटर थोड़ा सा कंफ्यूज है? बहुत शुक्रिया। 22 अगस्त को पीएसपी समझ रही थी कि शायद उसको हलवा मिल जाएगा प्लेट में, तो वो एक इंसिडेंट था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, डे था, जिसके बाद फारूक सत्तार भाई ने एक स्टेप लिया कि ग्राउंड पे जो भी इशू, अगर पार्टी के साथ जो नुकसानात हो रहे हैं उससे और नुकसान होने से बच जाए, तो फिर एक प्रोसेस चला, फिर हम लोगों ने अपनी रिकवरी पे आए क्योंकि 3 साल से ऑपरेशन भी चल रहा था। उसके बाद भी हमारे पास ऑफिस स्पेसेस नहीं थी, हमारे कारकुनान अरेस्ट हो रहे थे। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 24 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करने के अमल से उनके अहले खाना में शदीद बेचैनी पाई जा रही। वो रिलीज बहुत सारी जगहों पे मिसिंग भी थे, एक्स्ट्रा जुडिशियल भी किलिंग्स हो रही थी, तो हमने फिर भी कोशिश करके ग्राउंड पे रहते हुए अपनी तहरीक को, अपना जो 40 साल से मेहनत थी उसको बचाया। और उसकी वजह से जाहिर है, जब घर का सरबरा या बड़ा अगर नहीं होता तो छोटे आपस में लड़ पड़ते हैं अक्सर। अच्छा अली साहब, लोग कहते हैं कि जो सब कुछ दोबारा से जो पार्टियां बादराबाद और पीआईबी एक हुई है वो सिर्फ इख्तदार के लिए हुई है, सिर्फ के हम लोग इलेक्शन में सीटें जीत सकें। देखिए, लोग कह सकते हैं कोई भी बात करें, वो हमें पता है कि हम 5 महीने 4 महीने जो अलग अलग रहे उसमें किसी को भी खुशी नहीं हुई इस बात की, कोई भी इस बात पे सेटिस्फाइड नहीं था कि इस तरह अलग अलग चलना चाहिए। लेकिन हमने हमेशा कोशिश की कि हम इसको कंट्रोल करके इतना दूरियां पैदा नहीं करें कि वापसी का रास्ता ना आए, तो इसी वजह से उसमें दोनों तरफ की लीडरशिप ने मीडिएशन को कंटिन्यू रखा, इश्यूज डिस्कस करते रहे। फिर जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट से फाइनली फैसला आ गया तो उस फैसले की नज़र में हमने यही समझा बेहतर कि जब खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को कन्वीनर बना दिया है तो फिर अब हमें उसको एक्सेप्ट करते हुए, तो फिर 16 जून को हम ईद से एक रात पहले चांद रात पे कराची वालों को अपने मैंडेट को, इस हैदराबाद वालों को, मीरपुर खास वालों को हमने ईदी दी थी, और वो ईदी ये कसम खा के दी थी कि अब हम अलहदा नहीं होंगे। जो लोग ये समझ रहे थे कि एमकेएम तफसील हो गई है तो अपनी आंखें खोल कर देख ले, एमकेएम यहाँ बैठी है और मुत्तहिद है, हम मुत्तहिद थे, मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। उसको जाहिर है मीडिया को तो ये पसंद नहीं आई बात, और जो हमारी अपोजिंग पार्टीज थी उनको भी पसंद नहीं आई ये बात, और बहुत सारे ऐसे मखलूक भी थे जिनको पसंद नहीं आई, तो वो लोग मीडिया पे भी ज़्यादा चलने नहीं दिया, उसको ज़्यादा उठने भी नहीं दिया, उसका ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करने दी, जिसकी वजह से शायद आज लोगों में यही गुमान है कि शायद हम लोग नहीं मिले हुए, लेकिन हम एक जगह पे हैं। तो कुछ अर्से पहले जो भी मसाइल पेश आए थे एमकेएम के, अगर हम हालिया दौर की बात करें तो इस वक्त जो मकबूलियत पीटीआई की है शहर के अंदर, जो हम देख रहे हैं जगह जगह बैनर्स लगे हुए हैं, सोशल मीडिया देख लें, वो एमकेएम की इस वक्त नज़र नहीं आती, आजकल एमकेएम इतनी कमज़ोर क्यों नज़र आती है हमें हर जगह? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अगर पीटीआई ये कह रही है कि वो कराची में आके मसाइल को हल कर देगी, तो सबसे पहले पीटीआई मुझे ये बताए कि कैसे करेगी। करना तो ये लोकल गवर्नमेंट ने, और लोकल गवर्नमेंट एमकेएम के पास है, तो क्या ये भी आके इख्तियारात नहीं देंगे तो फिर फ़ायदा क्या कराची को वोट करने का इनको? ठीक है ना, 2020 तक तो लोकल गवर्नमेंट एमकेएम के पास है, अभी फर्ज करें अली रेदी, अली आरेपल्ली या कोई भी आते हैं और कहते हैं कि मैं पानी ले आऊँगा, मैं कचरा उठा लूँगा, मैं ये वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं ना आजकल, ये कचरे पर भी बैठे हुए और फिर अपने खर्चे से जाके कचरा भी उठा रहे हैं। भाई तो रोज़ उठा लो, सिर्फ एक दो दिन क्यों कर रहे हो? अली रेदी साहब भी यही कर रहे हैं, डेली करें आप, अगर इतना ऑन करते हैं, क्योंकि आप तो इलेक्शन हारेंगे उसके बाद आप नजर नहीं आएंगे, और वो कह रहे हैं आजकल फैसलवाड़ा साहब कि मैं बल्दिया में रह रहा हूँ, मैंने उनसे ये शर्त लगाई थी कि इलेक्शन हारने के बाद भी आप वहीं पे बल्दिया में ही रहेंगे, वहाँ से नहीं जाएंगे फिर आप। पीटीआई को हर चीज़ की छूट है, वो लाडले हैं आजकल, उनके बैनर्स पोस्टर्स उनके नहीं, वो है ना, हम तो रोडों पर देख रहे हैं,
वो हो गए, पीएसपी हो गई, एमएमए हो गई। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उसमें आप काफी नाराज नजर आए थे, आपने कहा कि हमारी कॉर्नर मीटिंग बिजली काट दी जाए। वही बता रहा हूँ, सितम ये कि ये हमारी कॉर्नर मीटिंग है जहाँ के पुलिस कनेक्शन भी काट कर चली गई। बैनर्स उतारते हैं, पोस्टर्स उतारते हैं, हमारे पैराफिनेलिया जो हम देते हैं वो उतारते हैं, लोग अपने घरों पे झंडे लगा रहे हैं वो भी उतार रहे हैं। जब उसको इजाजत है, उसका हक है, वो अपने घर पे झंडा लगा सकता है। तो उनके हमारे उतर रहे हैं, उनके लगे हुए हैं, ठीक है। फिर हमने भी ये हरकत की, जहाँ पे इनके लगे हुए थे उन्हीं के ऊपर हमने अपना लगा दिया। तो जब हमारा उतरेगा तो इनका भी उतरेगा, तो फिर वो मजबूरन उतारना भी पड़ गया उनको। बहरहाल हमारे यहाँ वोटर कार्ड्स की प्रिंटिंग के लिए हम बड़ी प्रिंटिंग प्रेस पे गए, वो कहते हैं जी हमें मना है। किसने मना किया है? बस कहीं से फोन आया था, उन्होंने मना किया है कि एमकेएम का काम नहीं करना। यहाँ बम बनाने वाली फैक्ट्रियां नहीं पकड़ी जा रही, एमक्यूएम का इंतखाबी निशान पतंग। जो प्रिंटर बना रहा था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हदूद में, कल 8,500 पतंगे कॉन्फिस्केट कर ली गई, जब्त कर ली गई। तो ये चीजें पहली बार नहीं हो रही हैं, ये इससे पहले भी हो चुकी हैं एमक्यूएम के साथ, और एमक्यूएम का वोटर बहुत अच्छी तरह जानता है इन हरबों को, इन तरीकों को। और आप देखिएगा, हमारा जो साइलेंट वोटर जब भरपूर तादाद में निकल के पोलिंग स्टेशन पे जाएगा और वोट कास्ट करेगा, कल मैं आमिर लियाकत साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे पूछा गया एमकेएम के बारे में, तो उन्होंने बोला कि पतंग तो 22 अगस्त को ही कट गई थी, अब लूटना बाकी है और लूट हम 25 तारीख को लेंगे, 25 जुलाई को। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आमिर लियाकत की बात पे, वो मेरे ख्याल में उसके घर वाले बिलीव नहीं करते, तो आप क्या, हम और आप क्या बिलीव थे ना, तो निकाल दिए गए थे, हटा दिए गए थे पार्टी। जब इलेक्शन करीब होते हैं तो हम देखते हैं जो सारे कैंडिडेट होते हैं वो कोई हलवा पूरी बना रहा होता है, कोई होता है कोई मोटरसाइकिल भी चला रहा होता है। आपने मेरा 5 साल का दौर नहीं देखा NA 251 में, आप अभी चले जाइए वहाँ पे, डोर टू डोर मालूम कर लीजिए, क्या मैं मोटरसाइकिल में नहीं फिरता था? लाइन्स एरिया में मुझे गाड़ी ले जाके दिखाओ, मेरा हल्का था। अख्तर कॉलोनी की गलियों में गाड़ी ले जाके दिखाओ, आजम बस्ती की गलियों में गाड़ी ले जाके दिखाओ, नहीं जाती, वहाँ मोटरसाइकिल में ही फिरा जाता है। और मैं मोटरसाइकिल में उधर भी फिरा करता था, और यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि मुझे, मैं कंफर्टेबल हूँ मोटरसाइकिल पे, क्योंकि एक कॉर्नर मीटिंग से दूसरी कॉर्नर मीटिंग में ट्रैफिक को अवॉइड करना आसान होता है, मोटरसाइकिल में आप ज्यादा जल्दी जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने अपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि आपके इलाके के मसले का हल अली रजा आफ़ी साहब के पास मौजूद है, एमकेएम के पास मौजूद है, तो प्लीज़ 25 तारीख को पतंग को वोट दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।